साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला सामने आया है। ये मामला शनिवार देर रात का है, जब एक समुदाय विशेष के एक युवक से मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक मस्जिद से लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोका और टोपी उतारने को कहा। जब युवक ने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई। बोला नहीं, टोपी उतार कर, कुर्ता उतार कर चले गए, ऐसे बोला। मैं बोला क्यों टोपी उतारो, उसके बाद थप्पड़ मार कर टोपी उतार दे, फेंक दिया उठा कर। मैं फिर उठाया, उसके बाद गाली वाली देने लगा। मैं बोला उधर में आदमी लोग बहुत था, झाड़ू वाड़ू देने वाला उधर में और आदमी था, तो उन लोग को बोला, तो बोला ये क्या करेगा, ये तो मेरा साथी है। बोले देखो भैया क्या कैसे कर रहा है, इसलिए मैं धक्का दे के वहाँ से निकलने चाह रहा था, तो मेरा कुर्ता पकड़ा, कुर्ता फाड़ दिया पूरा, था कुर्ता मेरा फटा हुआ रखा हुआ इधर में। उसके बाद वैसे तो बोल रहा था, तो उसका दारू बदबू मार रहा था, वो भवा कर रहा था दारू जैसा। कितने लोग थे उसके साथ? वो 5-6 आदमी थे। पीड़ित युवक मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जो गुरुग्राम में कपड़े सिलाई का काम करता है। बताया जा रहा है कि एक पखवाड़ा पहले ही वो काम की तलाश में गुरुग्राम आया था। उधर इस घटना के बाद पुलिस इसे दो लोगों के बीच के झगड़े से जोड़कर देख रही है। कल रात को करीब 10 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी, सदर बाजार में एक झगड़ा हो गया है, जिस पे मौके पे पुलिस पहुंची थी और इंजर्ड जो है मोहम्मद बरकत आलम है, इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है। जो जांच के दौरान ये पाया गया है कि एक नवयुवक जो अलेज्ड है कि ड्रिंक कर रखी थी, उसके साथ इसका झगड़ा हुआ है, जिसके संदर्भ में हमने FIR दर्ज कर दी है। और मौके पे भी ये तस्दीक में पाया गया है कि CCTV फुटेज में कि दो युवकों का ही आपस में कोई झगड़ा हुआ, छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, जिसके संदर्भ में FIR दर्ज कर दी है, जांच जारी है इसमें। जिस जगह पर युवक के साथ मारपीट की गई वहां लगे CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि आरोपियों की शिनाख्त हो सके।